सुदामपुरी निवासी देवानंद के भाई सेवानंद रोशनलाल यादव की लाश सोमवार को उसके घर से मिली। घटना की जानकारी मिलते ही अंबाजरी पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। देवानंद ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि वह जब घर में आया तो घर का दरवाजा खुला हुआ था, उसका भाई सेवानंद मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। उसकी मृत्यु का कारण क्या है इसका अभी भी पता नहीं चल पाया है। पता चला है कि वह बीमार रहता था तथा कुछ कमजोर भी था। अंबाजरी पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सेवानंद के भाई एवं आसपास के लोगों से इस संबंध में पूछताछ की, किंतु कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लग सकी। अंबाजरी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कल रात में हमारे डीबी के लोगों को माहिती मिली कि सुदाम नगरी में एक भाई ने अपने बड़े भाई का गला दबाया है। हमारा स्टाफ वहां पहुंचा, डेड बॉडी मिली हमको। वहां पे सेवानंद यादव, वह अंदाज से 50 साल के है वो, और उनका दूसरा भाई है परमानंद रोशनलाल यादव। तो परमानंद रोशनलाल यादव लोगों को बता रहा था कि मैंने मेरे भाई का गला दबा के मारा है। पुलिस स्पॉट पे जाने के बाद ऐसे कोई वहाँ पे दिखा नहीं, क्योंकि अगर गला दबा के मारा तो इंटरनल सिम्टम्स रहते हैं। तो हमने अकस्मात मृत्यु एक्सीडेंटल डेथ दाखिल किया है। आज डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होने जा रहा है। हमने डॉक्टर से एडवांस PM रिपोर्ट ताबड़तोब देने के लिए रिक्वेस्ट किया है। जैसे हमें PM रिपोर्ट और बाकी के जो साक्षीदार हैं उनके बयान मिलते हैं, उसके मुताबिक जो अगली कायदेसर कार्रवाई करना है वो हम जरूर करते हैं। मृतक जो है वो कचरा चुनने का, प्लास्टिक पन्नी वगैरह वगैरह चुनने का काम करता था, और जो मृतक का दूसरा भाई है वो लेबर का काम करता है। अभी फिलहाल कुछ नहीं चला, क्योंकि जब तक वो कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास आएगा नहीं, उस पर बात करना उचित। काल आमचे स्टाफ पेट्रोलिंग करत असताना त्यांना एका त्यांच्या इस्माने एक फोन करून सांगितलं की पांढरापुरी भागात, सुदामपुरी भागात एका भावाने आपल्या भावाने मारून टाकलेलं आहे। यावरून पोलीस तिथे गेले, पाहिलं तिथे एक डेड बॉडी पडलेली होती। ती डेड बॉडी सेवानंद रोशनलाल यादव वयांना जे 50 वर्ष, आणि त्याचा भाऊ होता तो परमानंद रोशनलाल यादव। मृतकच्या राहत्या घरीच ती घटना घडलेली आहे। 3 तारखेच्या 22:30 वाजताची 10:30 वाजताच्या रात्रीची घटना आहे। आम्ही काल घटनास्थळाला भेट दिली, मात्र मृतकच्या अंगावर असे कुठली मारल्याचे निशान किंवा काही दिसून आलेले नाही। तो संशयित समय तो सांगतोय की मी त्याचा गळा दाबला, परंतु त्या आरोपी किंवा त्या संशयितांवर आम्ही हे न ठेवता आज शव विच्छेदनाकरिता मेडिकल कॉलेजला डेड बॉडी पाठवण्यात आलेली आहे। आणि त्याचा एक ॲडव्हान्स PM रिपोर्ट आल्यानंतर आणि बाकी इतर साक्षीदाराचे जाब जवाब नोंदून पुढली कायदेशीर कारवाई करणार आहोत आम्ही। पण मात्र सध्या तरी अकस्मात मृत्यूची नोंद आम्ही केलेली आहे, कॉग्निजन्स आता घेतलेला आहे।